हाय दोस्तों, मेरा नाम काजी है। आपका स्वागत है मेरे चैनल काजी उड़ैन में। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल डिश बताने वाला हूँ जो कि आप फेस्टिवल पे भी बना सकते हो और आप इवनिंग स्नैक के हिसाब से भी इसको बना सकते हो। इसका नाम है शंकर पाली, या इंडिया के दूसरे हिस्सों में इसको शक्कर पारा भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर दिवाली या मकर संक्रांति पर बनाने वाला बहुत ही स्पेशल स्नैक है। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आप एक्साइटेड होकर भूल जाओगे। चलिए देखते हैं कैसा बनता है। इसके लिए मैंने 4 कप मैदा लिया है। 4 कप मैदा के लिए मैंने लिया है 1/2 कप पिसी हुई शक्कर। मुझे मीठा सिर्फ नाम के वास्ते चाहिए, इसलिए मैंने 1/2 बाउल यूज़ किया है। आप 1 बाउल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा अच्छा मीठा चाहिए। 1/2 बाउल घी, 1/2 बाउल सूजी और 1/4 चम्मच नमक। पहले हम मैदे को एक बड़े बाउल में डाल लेंगे, इसे मिलाने में आसानी रहेगी। फिर इसमें से सूजी, लास्ट में डालिए नमक। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। सूजी से फ्राई होने के बाद देखने में भी अच्छा लगता है और एक मज़ेदार कटमटाहट वाला टेस्ट आता है, जिससे दांत में जाने के बाद सूजी के दाने चटपट फूटते हैं। अगर आपको वो टेस्ट नहीं चाहिए तो आप सूजी 1/4 बाउल दीजिए। घी को गर्म कर लेना है। घी को अच्छे से गर्म करना है, पर इतना भी नहीं करना है कि धुआं निकलने लगे। अब गरम घी को मैदे के मिक्स में डाल दीजिए। फिर चम्मच या स्पैटुला से मिक्स कीजिए। घी डालने के बाद हमेशा चम्मच या स्पैटुला का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो नए बना रहे हैं उनको बहुत समय यह आइडिया नहीं होता है कि घी कितना गर्म हुआ है। अब हाथ से मिला लीजिए। इस प्रोसेस को मोयम देना कहते हैं। ये प्रोसेस गीले में भी होता है और सूखे में भी होता है। क्योंकि हम खस्ता बना रहे हैं इसलिए हम सूखा मोयम दे रहे हैं। अभी हाथ में लेके दबाने पर शेप बन जाए तो समझ लीजिए कि मोयम का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब एक पैन गैस पर चढ़ाएं और उसमें थोड़ा पानी लेके पिसी हुई चीनी दे दें। इसको पानी में घुल जाने तक खिलाते रहें। पानी को बॉयल नहीं करना है, बस शक्कर घुलने तक चलाना है। एक दूसरे पतीले या बर्तन में पानी थोड़ा कुनकुना गर्म कर लीजिए गूंथने के लिए। अब 1/2 चीनी का पानी डाल के मैदे के मिक्स में चम्मच या स्पैटुला से मिक्स करते रहें। पानी हमको थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, पूरा एक साथ नहीं डालना है। बाकी चीनी के पानी भी देकर मिला लें। अब थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डालते रहें और गूंथते रहें। इसे रोटी की तरह एकदम नरम नहीं गूंथना है और एकदम सख्त भी नहीं गूंथना है। जैसे जैसे पानी की ज़रूरत पड़ती रहे थोड़ा थोड़ा डालते रहें और गूंथते रहें। ये इस तरह से नरम ही रखना है। गूंथने के बाद 1/2 घंटा ढक के रखें ताकि जो सूजी है वो पानी सोख ले। अब खस्ता करने के लिए आप ऐसे बेलन से पीट सकते हैं। इसका और एक तरीका है कि आप पूरा गूंथा हुआ मैदे को पूरा लंबा फैला के बेल लें। अब इसको फिर से गूंथ लें। अब इसमें 3 गोले हम बना लेंगे। अब 1 गोले लेंगे और इसको बेल लेंगे। देखिए कितना मोटा होना चाहिए। आपको और पतला चाहिए तो 4 गोले बनाइए और थोड़ा पतला बेलिए। इसको बराबर इक्वल शेप में काटने के लिए पहले साइड्स के 4 गोल पोर्शन काट के अलग कर लीजिए। कटे हुए पोर्शन को एक साथ मिला के एक छोटा गोला बना सकते हैं। पहले हम लंबे लंबे इक्वल पोर्शन में काट लेंगे, फिर इसे बराबर चौकोन या स्क्वायर में काट लेंगे। आप चाहें तो डायगोनली या डायमंड शेप में भी काट सकते हैं। फ्राई करने की बात करें तो तेल को पहले प्रीहीट कर लें। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि धुआं निकलने लगे, नहीं तो शंकर पाली के पीसेस तेल में जाते ही रंग बदल लेंगे और अंदर कच्चा रह जाएगा। पर ज़्यादा ठंडा भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो बेमतलब का ज़्यादा तेल पी जाएगा। तेल को गर्म करके अब फ्लेम लो मीडियम पर रख देना है।
एक छोटा टुकड़ा डाल के पहले चेक कर लें कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। पीसेस बहुत जल्दी ऊपर भी नहीं आने चाहिए, ना ही नीचे बैठ जाना चाहिए। जब आपको लगे कि तेल गर्म हो चुका है तो उसमें शंकरपाली के पीसेस धीरे धीरे छोड़ के डाल दीजिए। पहले 1-1.5 मिनट तक बिल्कुल मत हिलाइए। 1-1.5 मिनट के बाद धीरे धीरे हिलाते रहें। आहिस्ता आहिस्ते पीसेस को पलटते रहें ताकि दोनों तरफ अच्छे से फ्राई हो जाए। इसे इतना ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। डीप फ्राई करने वाली चीज़ें तेल से निकलने के बाद भी कुछ देर तक फ्राई होते रहते हैं, तो निकलने के बाद भी उनका रंग बदलता है और गाढ़ा होता है, तो तेल में बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो ये देखिए, ये देख के ही लग रहा है कि खस्ता बना है। इसको एक प्लेट में टिश्यू पेपर रख के निकाल लीजिए ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो सोक कर ले। पर ये पूरी तरह से खस्ता तब बनेगा जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा। बाकी बचे शंकरपाली के पीसेस भी फ्राई कर लें उसी तरह से। सेकेंड बैच फ्राई करते समय तेल थोड़ा ठंडा हो सकता है क्योंकि हमने इसमें पहला बैच निकाला है। तो फ्लेम को कुछ देर तक मीडियम पर रखें, फिर लो मीडियम कर दें। जैसे कि मैंने दोनों शेप में बनाया है तो आप भी इसे डायमंड शेप में भी बना सकते हैं। तो ये तैयार है हमारा शंकरपाली, या जिसको शक्करपारा भी बोलते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं अगली रेसिपी में।